बन्नी युवान बन्नी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हो क्या रहा है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ के रखा था, तम घुट सा रहा है। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, जैसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, कोई तो ना कबीर मुझे छोड़ दो, मुझे बन्नी की जरूरत है, बन्नी को मेरी जरूरत है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है और ये सब क्या है बन्नी, ये मंडप यहाँ कुछ भी ना है युवान, कुछ भी ना है, बस बन्नी और युवान के मिलाप के लिए मंडप सजाया हुआ है। हमारी शादी? हाँ युवान, हमारी शादी हो रही है। देखा दादा साहब, आपने कहा था ना कि इस लगन की वेदी पर झूठी शादी ना हो सके, बिल्कुल ना हो सके, तो आज इसी वेदी पर असली वाली शादी होगी, बन्नी और युवान की सच्ची वाली शादी होगी। आज बन्नी और युवान की असली वाली शादी होगी। जो बात मैं हमेशा से तुमसे कहना चाहता था, जो सपना मैंने देखा था तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का, वो सपना आज पूरा हो रहा। मुझे कुछ पता ही नहीं, होश ही नहीं। कोई बात ना युवान, ज्यादा मत सोचो, हम उसी सपने को आज हकीकत बनाएंगे इस मंडप पे। अगस्त्य, थारे बनाना मैं ये कदी ना कर पाती, थारे को मैं शायद शब्दों में अपना ये आभार ना दे पाऊं, पर पूरी जिंदगी थारा ये उपकार रहेगा हमारे ऊपर। थारा बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा युवान लौट आया, मैं उससे शादी करने जा रही हूं।
पंडित जी आप फिर से मंत्र उच्चारण कीजिए, पूरे रीति रिवाज से बन्नी और युवान शादी करेंगे। नहीं, तुम बन्नी से शादी नहीं कर सकते इरफान। मैं बन्नी से शादी क्यों नहीं कर सकता? ये क्या कर रहे हो तुम अगस्त्य? हमारा युवान लौट आया, ये हमारा युवान। ये सिर्फ युवान नहीं है, सिर्फ युवान नहीं है बन्नी, ये कबीर भी है। और ये युवान कबीर कब बन जाए उसका कोई भरोसा है क्या? आप बताइए, कोई भरोसा है? नहीं है ना। कि कबीर है, वो कबीर जो तुम्हारी जान के लिए खतरा है, इस परिवार के लिए खतरा है। खतरा? मैं अपनी बन्नी के लिए खतरा? मैं अपने परिवार के लिए खतरा? अरे कैसी बात कर रहे हो अगस्त्य? क्या है ये कबीर? कौन है ये कबीर? तुम हो कबीर। मैं हूं कबीर। हाँ, तुम हो, तुम्हारे अंदर है कबीर। वो कबीर जिसने बन्नी को जिंदा काटने की कोशिश की, बन्नी की जान लेने की कोशिश की। ये देखो, ये देख रहे हो अगस्त्य? ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ प्लीज। ये मैंने किया, ये तुमने किया जवान। या ये कहो कि ये तुम्हारे अंदर उस छुपे कबीर ने किया। और सुनना चाहते हो कि तुमने क्या किया? अपने इस घर पे बुलडोजर चलवाने की कोशिश की तुमने, अपने पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की। You know what you are? तुम इन सबके ना, इन सबके फेवरेट, इस घर के लाडले बेटे हो, सबको तुमसे बहुत प्यार करना चाहिए और करते भी। पर आज उनकी शक्लें देखो, कोई प्यार नहीं करता तुमसे, सब डरते हैं तुमसे युवा। Everybody is goddamn scared of you. इन सबके लिए ना युवान कबीर युवान एक बुरे सपने जैसा। इसे जानते हो? हाँ, ये डॉक्टर तुलिका है। ये सिर्फ डॉक्टर तुलिका नहीं है युवान, तुम्हारे अंदर जो कबीर है ना, उसकी प्रेमिका तुलिका है। विश्वास नहीं हो रहा? ये क्या है? हाथ देखो ना। और अगर ये भी काफी नहीं है तो अपना फोन दिखाओ। देखो, नहीं नहीं, मैं डॉक्टर तुलिका के साथ नहीं, मैं अपनी पन्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। पर तुमने ये किया है युवान, और आज सडनली बहुत कन्वीनियंटली कबीर की जगह युवान बाहर आता है, अपनी गलती का प्रायश्चित करता है और कहता है कि वो पन्नी से शादी करेगा। अमेजिंग। मैंने ये सब, पन्नी प्लीज बताओ, क्या अगस्त्य जो बोल रहा है वो सच है? बताओ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं बन्नी, क्या ये बात सच है? ना युवान, ये पूरा सच ना है। जो कुछ भी किया ना वो हमारे युवान ने ना, वो तो उस कबीर ने किया। लेकिन वो कबीर युवान का एक हिस्सा है बन्नी, दोनों एक ही इंसान है, तुम्हें दिखाई नहीं दे। अरे कौन है ये कबीर? क्या है ये कबीर? तुम कैसी बात कर रहे हो अगस्त्य? परेशान हो गया ये बात सुनकर। और अगर ये कबीर है तो मुझे याद क्यों नहीं? अगस्त्य, क्या कर रहे हो तुम? अभी तो युवान ठीक हुआ है, शांति से बाद में, और इसे अभी सब कुछ बताने की कोई जरूरत है? हाँ, जरूरी है बेटा, जरूरी है बेटा।
इससे पहले कि इसके भीतर का कबीर बाहर आ जावे, युवान ने कबीर के बारे में सब कुछ बताना बहुत जरूरी है। तू मानसिक रूप से बीमार तो है, वो केवल है उसने वो स्प्लिट पर्सनैलिटी, दोहरे व्यक्तित्व का शिकार है तू बेटा। अरे भीतर एक और एक इंसान रहे जिसका नाम है कबीर, जो थारे से बिल्कुल एकदम ही अलग है, जो बहुत ही खतरनाक है, जो बन्नी से नफरत करे और तुलिका से प्रेम। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।